देखिए, ये है हमारे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। हनी सप्ले बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या था? पैट्रिक, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ठीक है। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कल के लेक्चर में कर चुके थे। एक सेकेंड बेटा, हाँ, जिसमें हम कल के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, हम आज आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास बुक है तो ओपन करके रखिएगा। देखिए, बी वाला हमारा क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो अब हम करने वाले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपने घर पे ट्राई किया था करने का? सभी बच्चों ने कोशिश की करने की से, क्योंकि चैप्टर तो हम रीड कर चुके हैं, तो आपको आना चाहिए था। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं जिसे आपको फिल करना है विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। वो बोल रहे हैं कि जो वर्ड और फ्रेजेस है वो आपको बॉक्स में दिया हुआ है, इस बॉक्स से उठाकर आपको ये फिल करना है ना। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। यदि आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, इनमें से कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता हो, तो आप क्या करेंगे? लुक सर्च वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी। आप उन वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, या फिर आस्क योर टीचर, या आप आपके टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिलिंग द ब्लैंक्स करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम ये वर्ड्स को लेंगे। जैसे पहला है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। देखिए, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो यहाँ पे ये फ्रेजेस दिए हुए हैं इनके मतलब समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये सब बुक्स में आए थे। जैसे सबसे पहले आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मतलब, जैसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं किस्मत खराब होना, ठीक है। बोलते हैं ना, कुछ काम नहीं होता है तो आप सुना होगा, आप लोगों ने कई लोगों को बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, है ना। तो वही वही क्या होता है, आउट ऑफ लक मतलब किसी का लक काम ना करना, किसी का जो चाहता है, जैसा कोई इंसान कुछ चाहता है वो काम ना होना, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ लक, ठीक। देन उसके बाद मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री। हिस्ट्री में सुना था मिस्ट्री, जब इस चैप्टर को पढ़ा था हमने, तो क्या होता है बेटा, मिस्ट्री मतलब रहस्य, जिसमें कुछ सीक्रेट छुपा हो, है ना। मिस्ट्री रहस्य हो कि जैसे आप लोगों ने फिल्में देखी होगी, है ना, तो फिल्मों में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी का मर्डर हो गया समझिए, है ना, तो वो मिस्ट्री रहती है ना। पुलिस में बोलते हैं कि इसमें कुछ लॉजिक है, क्या मतलब किसने मर्डर किया है, क्या है, पूरी मिस्ट्री है, रहस्य है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद ट्रू टू हिज वर्ड मतलब अपने शब्दों पर सही रहना, मतलब क्या कि अपना प्रॉमिस पूरा करना। जैसे एल्फ ने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका SW करूंगा, और एल्फ ने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया था, तो उसे क्या बोलेंगे, टू हिज वर्ड मतलब अपना प्रॉमिस पूरा करना, ठीक है। उसके बाद है चोर्स। चोर्स का मैंने आपको बताया था कि डेली काम, जो डेली रूटीन आपके काम होते हैं, सुबह उठना, आपका बेड प्रॉपर करना, आपके कपड़े प्रॉपर अरेंज करके रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां फेंक देना, ठीक है। चोर्स मतलब आपके डेली के काम, ठीक। उसके बाद सेमिस्टर। सेमिस्टर भी मैंने आपको बताया था कि बेटा सेमिस्टर एक पीरियड होता है ना, कुछ ड्यूरेशन का। मान लीजिए 3 महीने का सेमिस्टर हुआ, 6 महीने का सेमिस्टर हुआ, फिर वो एग्जाम और टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे क्लासेस में जाएंगे ना, जब बड़ी बड़ी क्लासेस में या कॉलेज में, तो आपके सेमिस्टर्स होंगे। जैसे एक साल में 2 सेमिस्टर्स होंगे 6-6 महीने के, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ। देन उसके बाद बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी मतलब आपके और मेरे बीच में। एंड लास्ट इज लुकअप। लुकअप मतलब क्या, देखना। तो इन सब के हिंदी के वर्ड्स तो हमने समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, अब हम यहाँ फील करेंगे। तो आई होप अब आपको इजी होगा फील करने में। जैसे पहला क्वेश्चन है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। मतलब कुछ लोगों को घर का क्या आएगा, घर का क्या आएगा, काम। कुछ लोगों को घर का काम जो है वो बोर लगता है, लेकिन आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे वो बोर नहीं लगता है, मुझे पसंद है घर पर मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, यहाँ पे काम को क्या बोलते हैं, चोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, चोर्स। तो चलिए राइट कर देते हैं, 1 सेकेंड लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सी
एच, एक सेकेंड ये तो गायब ही हो जा रहा है, वन सेकेंड पेंसिल, चलिए टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, चोर, ठीक है यहाँ पे क्या आ गया बेटा, चोर। सबको समझ में आया, रेज योर हैंड, पहला वाला सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चोर्स मतलब सम पीपल, कुछ लोगों को घर का काम, हाउस होल्ड यानी घर का, और चोर्स मतलब काम, घर का काम बोर लगता है, लेकिन मुझे बोर नहीं लगता, घर में हेल्प करना मुझे पसंद है, बोर नहीं लगता, ठीक है। चलिए सेकंड वाली लाइन देखते हैं क्या है, Who stole the diamond is steal a, स्टोल यानी होता है चुराना, ठीक है चोरी किया, तो who stole the diamond, किसने डायमंड चुराया था, इज स्टील अ, अभी तक क्या है बताइए जरा, क्या आएगा यहाँ पे, मिस्ट्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्ट्री, कि किसने डायमंड चुराया था, अभी तक क्या है वो, मिस्ट्री है, पता ही नहीं चला किसने चुराया था, तो अभी तक क्या है, एक रहस्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्ट्री, ओके ठीक है। तो ये आई थिंक सेकेंड आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है वंशिका प्रजा, बताया बेटा समझ में, ओके नाउ हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड देखिए क्या लिखा है, दीस, दीस के बाद ब्लैंक है, वी आर गोइंग टू अ क्लास एग्जीबिशन, मतलब इस, यहाँ पे जो भी आएगा कि हम इस साल जो भी हमारा जो क्लास एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में मतलब भी बेटा होता है, जैसे साइंस एग्जीबिशन होता है, आप नए नए प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है हुआ है ना अपने स्कूल में, है ना साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो एग्जीबिशन लगाते हो, है ना सब देखते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का वर्क बताते हो, तो वी आर गोइंग टू अ क्लास, वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो हम लगाएंगे क्या इस क्लास एग्जीबिशन, क्या दिस में क्या आएगा यहाँ पे बताइए, अच्छा क्या आएगा शीतल गावंडे, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, क्या आना चाहिए शीतल, नहीं पता आपको, राखी राठौर, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ऐसे लिपसिंग करके बताइए, देखिए बेटा यहाँ पे आएगा सेमिस्टर, अरे मैंने बोला था ना सेमिस्टर यानी स्कूल, स्कूल में और कॉलेजेस में होता है सेमिस्टर, ठीक है तो यहाँ पे आएगा सेमिस्टर, मतलब रुकिए वन सेकेंड रुकिए, चलिए थोड़ा सा इधर ही शिफ्ट हो गया, देखिए दिस सेमिस्टर मतलब इस सेमिस्टर में वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम सभी हम लोग क्या करेंगे, क्लास एग्जीबिशन लगाएंगे, हमें इस साल इस सेमिस्टर में क्लास एग्जीबिशन लगाना है, ठीक है आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, यहाँ पे क्या आएगा, एल्फ ने शुरू किया था पैट्रिक का, पैट्रिक की हेल्प करना, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए फटाफट, बोलिए फटाफट, राशि क्या आएगा यहाँ पे, लिपसिंग करके बताइए मुझे, क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है ट्रू टू हिज वर्ड मीन्स क्या था, ये रहा ट्रू टू हिज वर्ड मीन्स क्या था, अपने प्रॉमिस पर रहना, मतलब हमने जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना, तो एल्फ ने क्या प्रॉमिस किया था पैट्रिक को, कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो ये द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक ट्रू टू हिज वर्ड, तो यहाँ पे क्या जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड मतलब कि
प्रॉमिस कर जो प्रॉमिस किया है अपने शब्दों पर सत्य साबित होना, अपने शब्दों पे अडिग रहना, ठीक है। तो ट्रू टू हिज वर्ड मतलब किसी को प्रॉमिस किया वो कंप्लीट करना, तो ट्रू टू हिज वर्ड उसके शब्दों के अनुसार उसका प्रॉमिस जो था जो एल्फ ने किया था, तो द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक कि एल्फ ने हेल्प की थी पैट्रिक की, हेल्प एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैन यू। अब कैन यू क्या आएगा यहाँ पे, चलिए मन्नत क्या आएगा यहाँ पे बताइए, फिफ्थ में क्या आना चाहिए मन्नत, लुकअप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा लुकअप, तो देखिए क्या आएगा, कैन यू लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा लुकअप, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे लुकअप, आप सब भी लिख लीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे लुकअप, लुकअप, तो ये आ गया कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिक्स में, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्या है, मैं सुबह जल्दी उठा या जल्दी उठी टाइम पर, अपना काम भी समय पर जल्दी किया, लेकिन आई वॉज क्या आएगा यहाँ पे, आई वॉज आउट ऑफ लक, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, मैं आउट ऑफ लक था कि देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, कि वहां पे क्या था ट्रैफिक था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आउट ऑफ लक, चलिए आउट ऑफ लक, ठीक है। तो आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैंने सुबह टाइम पे सब शुरू किया, अपना काम सब टाइम पे किया, लेकिन बट आई वॉज आउट ऑफ लक, लेकिन मैं आउट ऑफ लक था क्योंकि देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, तो वहां पे ट्रैफिक जाम था, तो उसको जहां भी जाना होगा तो क्या हो गया, लेट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट जो है, लास्ट है तो लास्ट ही बचा है, शी सेज शीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने कहा उससे कि उसके पास बहुत सारी बुक्स है ना, उसके पास बहुत सारी बुक्स है, बट लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी बुक्स उसने उधार ली है, किसी से ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली एक ही बच्चा है, क्या है, बिटवीन यू एंड मी, तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या है, शी सेज, यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है, ठीक है। सी सेज उसने कहा कि उसने क्या की है, बहुत सारी बुक्स ली है, लेकिन ये बात आपके और मेरे बीच में है कि उसने बुक ली नहीं है, उसने बुक क्या की है, बोरो की है, उधार ली है, खरीदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिटवीन यू एंड मी, ठीक है बेटा, हो गया, इतना समझ में आया, तो ये हमने हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो फील कर लिए हैं, पहले वाले का आंसर हमने देखिए यहाँ नीचे भी लिख रखा है, जस्ट ए सेकेंड, चलिए ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम, हाँ ठीक है। पहले वाले का आंसर जो है आपका चोर से क्या है कि सम पीपल, कुछ लोगों को उनका घर का काम जो है अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें पसंद है, हमें घर में हेल्प करना अच्छा लगता है। फिर सेकंड था मिस्ट्री, क्या था, हु स्टोल द डायमंड, किसने डायमंड चुराया है, ये इज स्टिल अ मिस्ट्री, ये अभी तक क्या है, मिस्ट्री ही है, रहस्य है। फिर था दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम क्या करेंगे, क्लास एग्जीबिशन लगाएंगे, ठीक है, हमें क्लास एग्जीबिशन करना है, लगाना है। देन फोर्थ इज ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, अपने शब्दों के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया था। फिर लास्ट है फिफ्थ है लुकअप, कैन यू लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है।
आउट ऑफ लक मतलब आई स्टार्टेड अर्ली बी टू ऑन टाइम, मैंने सुबह समय पर शुरू किया था अपना सब काम, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन मैं आउट ऑफ लक था कि देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, कि वहां पर एक ट्रैफिक जाम था. ठीक है, शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी बुक्स है, बट लेकिन बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये आपके और मेरे बीच की बात है, कि आई थिंक मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ देम आर बोरो, की बहुत सारी बुक्स उसने क्या की है, उधार ली है, बोरो की है. ठीक है, चलिए पजल सॉल्व करें. इतना आ गया सबको समझ में? तो अब देखिए आपके बुक का पेज टर्न करिए पजल से, है ना. तो अब हम पजल सॉल्व करते हैं. पजल्स आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे बहुत बार, वीडियोस गेम में भी देखा होगा आपने, है ना. तो चलिए आज पजल्स सॉल्व करते हैं. देखिए सभी को दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है तो आप लोगों के पास बुक्स भी है. ठीक है, चलिए यूज द क्लूज. क्लूज नीचे दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं. गिवन बिलो जो नीचे दिए, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. आपको इस पजल को क्या करना है, कंप्लीट करना है ना. कंप्लीट करना है मतलब बेटा यहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा है हमसे और उनके आंसर्स पता करके हमें यहाँ फील करना है. तो देखो सबसे पहले अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस मतलब ऐसे जाना, जैसे मैं आपको बताती हूँ. वन सेकेंड, Across मतलब होता है ऐसा. ठीक है, और यहाँ पे दिया है डाउन, तो डाउन मतलब कैसा होगा, ऐसा. ठीक है, समझ में आ गया सभी को. Across मतलब है ऐसा, सॉरी इस तरीके से, एंड डाउन कैसा है, ऐसा. ये रहा. ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. एक्चुअली मेरे पास पेंसिल ऐसी है कि वो लिखा हुआ राइट किया हुआ गायब भी हो जाता है. ठीक है, आपके पास तो ऐसी पेंसिल नहीं है ना. देखिए मैं यहाँ राइट करती हूँ, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास मैजिक वाली पेंसिल है, आपके पास तो ऐसा नहीं है ना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते. देखिए सबसे पहला है यहाँ पे वेरी टायर्ड. यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग, वेरी टायर्ड. ठीक है, वेरी टायर्ड मीन्स होता है बेटा बहुत थका हुआ. तो बहुत थका हुआ को जब हमने अभी चैप्टर्स में पढ़ा था, तो चैप्टर में हमने देखा था कि बहुत सारे वर्ड टायर्ड के आए थे. तो यहाँ पे देखो वन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा वन नंबर, है ना. वन नंबर है, यहाँ पे हमें ऐसे जाना है, ऐसे इस तरीके से जाना है. एक सेकेंड, ऐसा जाना है ना. तो यहाँ पे W से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो क्या था वो, था वेरी. तो यहाँ पे आ जाएगा E. देखिए मैंने नीचे फील कर रखा है, एक सेकेंड रुकिए, या फिर मैं कुछ और यूज करती हूँ. पेंसिल वैनिश. वन सेकेंड बेटा, मैं यहाँ पे कुछ और पेंसिल यूज करती हूँ. सॉरी मुझे यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं मिल रही है, तो मैं टैक्सी ही फील करूंगी. तो यहाँ पे आएगा बेटा वियरी, क्या आएगा वियरी. तो वियरी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फील करिए ई, डब्लू के बाद यहाँ लिखिए वी ई, डब्लू के बाद यहाँ लिखिए ई ई, फिर ए, फिर यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे आएगा वाई. ठीक है, तो ये हो जाएगा वियरी. क्या है, डब्ल्यू ई ए आर वाई, वियरी. वियरी मीन्स होता है बेटा बहुत थका हुआ, टायर्ड. ठीक है, बहुत काम करके थक जाते हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वियरी. राइट कर लिया सभी ने, सभी ने राइट कर लिया बेटा. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वन सेकेंड, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन है, अ हैट
सॉरी हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, मतलब फेस पर बहुत गुस्सा दिखाना, जैसे पैट्रिक को सॉरी एल्फ को गुस्सा आ गया था ना, तो इस तरीके से बहुत गुस्सा दिखाना, ठीक है। तो गुस्से दिखाने को क्या बोला गया था, अब देखिए हमें पहले स्पेलिंग्स देखते हैं, है ना, 10 मिनट्स बाकी हैं, चलिए फटाफट फिनिश करेंगे। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, तो सेकेंड नंबर कहाँ दिख रहा है हमें, ये रहा सेकेंड नंबर, ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर, ऐसा लिखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एस से, ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग क्या हो रही है, स्टार्ट एस से, तो यहाँ पे आ जाएगा स्विग्ड, क्या आ जाएगा, स्विग्ड। स्विग्ड की स्पेलिंग क्या थी बताइए जरा फटाफट, एस लिखिए, एस यहाँ पे आएगा क्यू, लिखिए जिन जिनको आती है स्पेलिंग लिखिए जरा फटाफट, फिर चेकआउट कीजिएगा कि आपने सही लिखी है कि नहीं। स्ट्रिक्ट बेटा यहाँ पे आएगा स्ट्रिक्ट, है ना, तो यहाँ पे आएगा एस के बाद आएगा यहाँ पे एच, ठीक है, यहाँ पे आएगा आर, आर सॉरी मुझसे आर नहीं बन रहा है इससे, फिर यहाँ पे आएगा आई, ठीक, फिर यहाँ पे आएगा ई, फिर यहाँ पे आएगा कुछ कम आ रहा है के ई डी स्ट्रिक्ट, एस H R I E K E D stripped। एक सेकेंड रुकिए, देखिए नीचे फील किया हुआ है मैंने, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वन सेकेंड, सॉरी सॉरी बेटा वो है मैंने ही रॉन्ग बोल दिया, वहां पे आएगा स्काउल्ड, सॉरी है ना, यहाँ पे आएगा स्काउल्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा स्काउल्ड, स्काउल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एस सी ओ डब्ल्यू एल ई डी स्काउल्ड आएगा, स्काउल्ड मतलब था ना फेस को क्या बोलते हैं अजीब तरीके से बनाना, स्ट्रिक्ट यानी तो चिल्लाना था, क्राई करना था, सॉरी मुझे याद नहीं था, भूल गई थी मैं, ग्रीमेज स्काउल्ड प्योर प्योर से ये सब क्या था, मुंह बनाना था ना, तो यही है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, फेस पर गुस्सा करना, तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग किससे दी है, एस से दी है, है ना, तो यहाँ पे आएगा स्काउल्ड, एस सी ओ डब्ल्यू एल ई डी, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट मीन्स होता है क्राई करना, है ना, सॉरी यहाँ पे आएगा स्काउल्ड, सबने फील कर लिया स्काउल्ड, चलिए आगे करते हैं फटाफट, शॉर्ट ट्राउजर, अब जो एल्फ था उसने शॉर्ट ट्राउजर पहने थे, तो शॉर्ट ट्राउजर को क्या बोला जाता है, ब्रीचेस, क्या बोला जाता है, ब्रीचेस, तो ये रहा थर्ड नंबर का आपका, यहाँ पे लिखिए बी, लिखा हुआ है ऑलरेडी आर आई सॉरी बी, यहाँ पे ब्रीचेस ना बी आर ई सी एच ई एस, ठीक है, लिख दिया सभी ने ब्रीचेस, यहाँ पे आएगा ब्रीचेस, ठीक, देन उसके बाद है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मशीन में कोई खराबी आ जाना, है ना, कोई फॉल्ट आ जाना मशीन में, तो मैंने आपको बताया था ना मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो उसे बोला जाता है ग्लिच, तो ये है यहाँ पे लिखेंगे आप ग्लिच, जी एल आई टी सी एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्लिच, ठीक है, एंड द लास्ट है अक्रॉस में स्मॉल एंड नॉटी बॉय फियरी, वो जो छोटा सा नॉटी बॉय था उन्हें क्या बोला जाता है, एल, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एल एफ, ठीक है, ये एल्फ हो गया, तो ये अक्रॉस वाले हमने कर लिए, अब हम डाउनवर्ड्स करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए पहला है वर्क डेट मस्ट बी डन एवरी डे, डेली डे, डेली हर काम, डेली अगर आप काम कर रहे हो उस काम को क्या कहा गया है, अब हमें ऐसे देखना है, सेवन सिक्स नंबर का, सिक्स नंबर देखिए कहा है, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चोर्स, चोर्स मतलब क्या होता है, डेली काम, है ना, तो सी एच ओ आर ई एस, चोर्स, ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका बास्केट विथ लीड, ढक्कन के साथ एक बास्केट, है ना, बाल्टी जिसे बोल सकते हैं बास्केट, उसे बोला जाता है हैम्पर, ये रहा सेवन नंबर का आपका हैम्पर, एच ए एम पी ई आर, ठीक है, हैम्पर हो गया, गिव अ शॉर्ट एंड हाई पिच क्राई,
मतलब थोड़ी सी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत तेज चिल्लाना, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रिक्ट, है ना। बाय मिस्टेक मैंने वहां बोल दिया था, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रिक्ट, ठीक है। एस एच आर आई ई के ए डी, स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब जरा से बच्चों ने फील किया है ना, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने देखिए नीचे पूरा फील करा हुआ रखा हुआ है, उसे आप उसे देखते हैं। ये रहा, ठीक है। आप क्रॉस चेक चेक कर लीजिए स्पेलिंग से। आप ये देखिए, पहला था आपका वेरी टायर्ड, है ना। तो वेरी टायर्ड जो है, वेरी टायर्ड मतलब ये रहा आपका वेरी टायर्ड। वन सेकेंड, पेंसिल दीजिए हमें, ये रही पेंसिल। तो वेरी टायर्ड का मीन्स होता है वियरी, वियरी मीन्स बहुत थका हुआ होना। तो ये है बेटा डब्ल्यू ई ए आर वाई, ओके, वियरी हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड था हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, फेस पर गुस्सा दिखाना। तो क्या क्या थे, तीन वर्ड थे, ग्रिमेज था, स्काउल्ड था, है ना, पर्स लिप्स यानी होठ सिकोड़ना, ग्रिमेज यानी मुंह बनाना। तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेलिंग दी थी एस से, तो एस में कौन सा था, स्काउल्ड, है ना। ये रहा स्काउल्ड मीन्स हो जाएगा फेस पर गुस्सा दिखाना, मुंह मुंह बनाना, ठीक है। तो एस एस उन्होंने ऑलरेडी दिया था, हमने फील किया सी ओ डब्ल्यू एल ए डी, ठीक है, स्काउल्ड, है ना। देन उसके बाद था शॉर्ट ट्राउजर, तो शॉर्ट ट्राउजर को बोला जाता है ब्रीचेस। ये आपकी बुक में ग्रोसरी में भी दिया हुआ है साइड में, है ना, ब्रीचेस। तो बी आर ई ई डबल ई ए, फिर सी एच ई एस, ब्रीचेस, ओके। नाउ फोर्थ था अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मशीन में फॉल्ट आ जाना जिसकी वजह से काम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या था, उसे बोला जाता है ग्रीच। ये रहा आपका जी एल आई टी सी एच, ग्रीच मीन्स होता है बेटा गड़बड़, है ना, खराबी आ जाना, ठीक। उसके बाद स्मॉल एंड नाउटन, नॉटी बॉय फेयरी, एक छोटा सा नॉटी बॉय फेयरी क्या था, वो एल्फ, बोना इंसान जिसे बोल सकते हो, है ना। तो ये था एल्फ, ई एल ई एफ। अब ये तो हमने अक्रॉस वाले कर लिए, मतलब ऐसे वाले कर लिए, अब डाउनवर्ड्स करते ऐसे वाले। तो उसमें था वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे आफ्टर बोरिंग, मतलब जो डेली रूटीन के आपके काम होते हैं, तो उसे बोला जाता है चोर्स। तो ये रहा आपका चोर्स, सी एच ओ आर ई एस, चोर्स। फिर था आपका बास्केट विद लीड, ऐसी बास्केट, लीड लीड मतलब ढक्कन के साथ, तो उसे बोला जाता है हैम्पर्स, ठीक है। तो एच ए एम पी ई आर, हैम्पर। एंड लास्ट था गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, मतलब बहुत जोर से चिल्लाना थोड़े से समय के लिए। तो ये है आपका श्रेक्ड, क्या आ जाएगा, एस एच आर आई ई के ई डी। सभी ने चेक कर लिया स्पेलिंग्स, फील भी कर ली। तो यहाँ पे बेटा आज आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, है ना। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर। आप ये जितना भी एक्सरसाइज आपको कराया गया है सब आप फेयर कॉपी में राइट करिएगा, ठीक है। जितना कराया गया है वो सब आप पूरा क्या करिएगा, फेयर कॉपी में करिएगा। अच्छा, आपके चैप्टर चैप्टर फर्स्ट में आगे स्पीकिंग दिया है, राइटिंग दिया है, तो वो सब नॉर्मली स्पीकिंग करना है, मतलब कुछ वर्ड्स दिए उनको बोलना है एक जैसे, वो तो वो हम नहीं करेंगे, हम मेन मेन एक्सरसाइज ही करेंगे, ठीक है। तो आज आपका ये इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब कल से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इतना आप फेयर कॉपी में राइट करते रहिएगा, किसी भी समय में बेटा आपको फेयर कॉपी स्कूल में सबमिट करने का बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी रेडी रखिएगा। अब हम ना हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का वो देखेंगे, हमारे पास सिर्फ एक मिनट बचा हुआ है, तो एक मिनट में तो हम किसी का डाउट नहीं ले पाएंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर में अगर हमें कोई डाउट अगर समय रहेगा तो हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ओवर करें मीटिंग हम, तो चलिए अब इसके बाद मैं केमिस्ट्री की लिंक भेजूंगी आपको, तो उसमें ज्वाइन होइएगा, है ना। तो ठीक है, Thank you.